बहनचोद मरेगा, उल्लू का पट्टा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। अभी हमने आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, थोड़ा भाग दौड़ में थे क्योंकि आप सभी जानते हैं 31 तारीख आने वाली है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। लेकिन अभी हम ऑफिस के काम से निकले हुए हैं गोसाई गाँव के लिए, और गोसाई गाँव जाके अभी आपको दिखाते हैं, दो तीन मीटिंग होनी है हमारी। एक इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं डॉक्टर महोपात्रा जी, उनसे मुलाकात करेंगे, और बाकी अपने FPC से फाइनल टच देना है मीटिंग को। पैम्पलेट और बैनर दोनों हो चुके थे दो दिन पहले, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, और अभी हम लोग मार्चिंग टूवर्ड्स गोसाई गाँव, जिससे कि आज की मीटिंग करने के बाद फाइनल हो जाएगा और मंडे को सारे किसान आएंगे। हमने उनके लिए वेलकम स्पीच भी तैयार किया है, और जो उनका प्रेजेंटेशन है PPT है, जो उनको दिखाना है और सिखाना है और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, मेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है। कल रात को काफ़ी लेट तक जगे थे, 3-3:30 बजे जाके सोए, और अभी स्टार्ट कर दिया है आज का दिन। बहुत मेहनत होती है, बहुत भागदौड़ होती है, फ्यूल गाड़ी में है, कोई चिंता नहीं करनी जाने आने का। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का दिन व्लॉग। अगर पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिएगा। सर्विस ड्यू हो चुका है बाइक का, जैसा कि सभी को जानकारी है, आप सभी को पहले भी हमने बताया है कि सर्विस अभी 25,000 वाला ड्यू हो गया है, और अभी निकलते टाइम हमने RE से चैन को ल्यूब करा लिया था क्योंकि सूख जाता है बहुत जल्दी, वीक में एक बार ल्यूब हम कराते ही कराते हैं, चाहे हमारी रनिंग हो या ना हो। वैसे तो अभी रनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लिब्रिकेंट चैन लिब्रिकेटेड रहती है तो बहुत मस्त परफॉर्म करती है। मतलब अभी एकदम मक्खन स्मूथ चल रही है, एकदम बटरी स्मूथ चल रही है बाइक अपनी, चीता एकदम मज़ा डाल देता है। और दिन की शुरुआत की थी, सुबह अभी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, घर पर भी बात हो गई है, वाइफ से भी बात हो गई है, बिट्टो कहीं खेलने गई थी, छुट्टी का दिन है तो वो अपना इंजॉय कर रही है, और हम ताबड़तोड़ मिशन पर निकल चुके हैं। बहन करेगा उल्लू का पट्टा, देखा अभी ठुका होता, भयंकर एक्सीडेंट हुआ होता। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए एकदम शांत स्वभाव में कि द रोड्स आर फिल्ड विद इडियट्स, ब्रेक लग गए अदरवाइज गया था जो, और वो खुद तो जाते ही जाता, हमें साथ में ले जाता, पीछे से एकदम बस आ रही थी, किस तरीके से मुड़ा है मिल गया आज का थंबनेल लेकिन यार बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए रोड्स पर। मतलब दिस इज द थिंग कि आप खुद तो मतलब जान हथेली पे लेके निकले हो, दूसरे आदमी जो सही ठीक ठाक चल रहा है उसको और पेलम पाली कर दोगे। लिया तो हमने लॉन्ग रूट है और हाईवे के रास्ते ही जाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम हरी में हैं क्योंकि अभी वापस आके भी एक दो एक्टिविटी करनी है, काम करने है, डैशबो वो बैनर को भी पिक करना है और पैम्पलेट को भी फाइनल चेक करना है जो उसका फॉर्मेट है। मे बी वो व्हाट्सएप कर देंगे, भैया उनसे बोला तो था कि जैसे ही डिज़ाइन फाइनल हो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो उन्होंने बोला है भेजते हैं बाद, बाकी देखिए क्या रहता है क्या रहेगा। अभी साला एक बाइक वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया, मतलब पूरा एकदम अच्छे से आदमी निकले लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, लपड़ झंडे लोगों से भरी हुई है ये दुनिया लेकिन कोई ना, दोबारा से एकदम काम होते हैं, शांत होते हैं और शुरुआत करते हैं जिस तरीके से हमने व्लॉग को शुरू किया था, जिस एनर्जी से, जिस जोश से। यार मज़ा तो बहुत आता है, मतलब जब हमें मालूम नहीं होता जो हम ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, सबसे मेन चीज़ है उस काम को हम कितना पसंद करते हैं, कितना एनर्जी के साथ, कितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस काम को हम करते हैं। तो यही है, हमें नहीं मालूम होता कि अगले दिन हम क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या टास्क असाइन होंगे, किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, क्या चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि अभी ये ट्रेनिंग का आ गया ऑर्डर आ गया गुवाहाटी से कि ये ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है इतने फार्मर्स की, वो करा रहे हैं। उसके बाद अभी हमें 160 जो डेमोस्ट्रेशन लगाने हैं उनकी फार्मर्स की लिस्ट फाइनल करके देनी है, फिर उसके बाद जो उसके लिए इनपुट है उनके प्रोक्योरमेंट के लिए अलग अलग एक्टिविटी जो कि हमने पहले कभी नहीं की वो परफॉर्म करेंगे।
तो सीखने को भी मिलता है, प्लस बोर भी नहीं होते हैं, नया काम है। बस आपको काम से प्यार होना चाहिए, काम करने में अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको काम करने की आदत नहीं है और आप काम करना नहीं चाहते हैं तो गुरु आपके लिए दिक्कत है, फिर तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और धीमे धीमे बातों ही बातों में हम शहर को निकल चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अभी अगले 10 से 12 मिनट में हम हाईवे टच कर लेंगे और 1 बजे तक हम टारगेट रखते हैं कि पहुंचते हैं अपने गंतव्य स्थान तक। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये नज़ारे हैं कुछ शहर के, देखिए जो नेचुरल ब्यूटी है, मतलब कोकराझार है। वैसे तो पूरा आसाम ही बहुत खूबसूरत है, मेघालय शिलोंग एक अलग स्टेट है, एडजॉइनिंग स्टेट है आसाम का, तो बट ये भी जगह कम नहीं है। मतलब मैं ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य दृश्यों वाली जगह पर पहले भी एक बार जा चुका हूँ, वो केरल वायनाड मुझे अच्छा लगा था। बाकी केरल वायनाड के अलावा भी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो ये जगह भी कम नहीं है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, रोमांचक। Take my eye off you, can't take my eye off you. Dim girl, don't got nothing on you, don't got nothing on you. My heart is ready for something I have been had in a long time. True love crime, I hope you know that. It may hurt for a while, let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, like cocoa, you're nice, like cocoa bread, like cocoa bread. A movie right by your side on duty, not too much or too sweet. Ooh, passion from yours truly. Let me know how you feel. Hope I'm not in too deep. Me wa Phoebe, we ja fever. Won't be alone forever. Get through the storm together. Ooh, girl, make some room. I know you still unite. Sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. कारी गांव हम अभी जा रहे हैं, वो बचा है 3 किलोमीटर अप्रॉक्स, और कारी गांव से ही हमें हाईवे मिलेगा। जैसे कि देख रहे हैं 3 किलोमीटर कारी गांव, एकदम परफेक्ट अंदाजा।
माइलस्टोन ने भी हमारी बात को समर्थन दे दिया है। ये क्रशर जोन है, यहाँ पर भी पहाड़ काटे जाते हैं, चकनाचूर किए जाते हैं, नित्य नाबूद किए जाते हैं। और अब देखिए प्रकृति के नज़ारे। आज की हमारी एक ग्रुप राइड थी आरी की तरफ से, बट वो किन्हीं कारणोंवश नहीं हो पाई। और अभी हम जा रहे हैं गोसाई गांव। हमारी तो राइड हो ही रही है, अभी पहले ग्रुप राइड होती है, अभी सोलो राइड हो रही है। बस सारे काम निपट जाए आज टाइमली, तो वापस आके जो काम बचे हैं वो करने हैं, और कल का दिन भी भाग दौड़ से भरा बीतेगा। ये इस जगह को कारी गांव बोलते हैं, और अभी हम कारी गांव पहुंच चुके हैं। आगे जो हाईवे है, लेफ्ट में श्रीरामपुर और वेस्ट बंगाल के लिए जाता है, और राइट में गुवाहाटी के लिए जाता है वाया बंगाईगांव। तो इसी हाईवे पर जाना है हमें। इसी हाईवे को सेलेक्ट करने के लिए हम अंदर जो शॉर्ट रास्ता है उससे नहीं जाते, क्योंकि 40-45 किलोमीटर का है और ये अप्रॉक्स 80 किलोमीटर्स का है। बट रास्ता सही है। राइडर्स को और क्या चाहिए भाई, गुरु समझ रहे हो ना। फोन चेक कर लेते हैं, किसी का फोन आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से राइड करके करीब हम आ चुके हैं अपनी मंजिल के, और लगभग 10 से 15 मिनट और लगने चाहिए। और देखते हैं, अभी चल के मुलाकात करते हैं और आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ों से रूबरू करवाते हैं। देखिए द ग्रेट एनी फील्ड इन ग्रीन फील्ड, पूरा दूर तक ग्रीन है दोनों तरफ, एंड वी आर ऑन द ग्रेट एनफील्ड। मौसम एकदम ज़बरदस्त है, मतलब धूप निकली हुई है बट उतनी गर्मी नहीं है, ठंडा है। टेम्परेचर का पता नहीं अभी क्या है, बट मौसम ठंडा है। फाइनली अभी 3:20 हो गए हैं और मीटिंग हमारी ओवर हो गई है। काफ़ी लंबी मीटिंग चली, पूरा जो अरेंजमेंट करना था पावर बैकअप का, प्रोजेक्टर का, सिटिंग अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, ब्रेकफास्ट, टी, वाटर, एवरीथिंग इज़ अरेंज्ड। और जो अपना जो मेन डिस्कशन हुआ, जो साइंटिफिक डिस्कशन हुआ इरी के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ, डॉक्टर महोपात्रा जी के साथ, उसमें ये हुआ है कि हमें क्या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करनी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 10 साल से वो डेमोज, ट्रायल्स और ये सारे काम कर रहे हैं। राइस कैफेटेरिया, मतलब उनका मेन जो क्रॉप है वो राइस है, और हमारा जो मेन क्रॉप है वो मेज है। तो उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या करने से क्या बेनिफिट होते हैं, मतलब जो डेमोंस्ट्रेशन की साइट सिलेक्शन है वो किस तरीके से करनी है, जिसमें कम से कम एफर्ट्स में अच्छे से अच्छा काम हो पाए, और जो डेमो के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी फुलफिल हों, कि डेमो लगाने जिस कारण से हम डेमो लगाते हैं और डेमो क्यों लगाते हैं वो। तो दोस्तों मीटिंग ख़त्म हो गई है और चलते हैं, शुरू करते हैं यात्रा बैक टू कोकराझार। और एम्बुलेंस निकली है काफ़ी द्रुत गति से, तो उसने धुआं ही धुआं कर दिया है। और अभी एकदम अच्छा लग रहा है, अभी रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि जो मेजर वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब माइनर चीज़ें हैं जो आगे हमें करनी है, वो हम कोकराझार पहुँच जाएंगे अभी टाइम से, वो भी निपटा लेंगे। और उसके बाद कल मंडे है, कल ऑफिस खुलेगा, तो जब तक सारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी, काबू में होंगी। देखते रहिएगा कल का व्लॉग और आज का व्लॉग, मतलब ये अभी अपलोड तो मैं काफ़ी दिन बाद करूँगा, इसको एडिट वगैरह एडिट और रख के टाइमलाइन पे एक्सपोर्ट करके रख लूँगा, क्योंकि इससे पिछले व्लॉग भी अभी काफ़ी सारे जाने हैं जो कि नहीं गए हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब वो कौन सा मज़ा नहीं आ रहा। तो ये है कुछ, ये अभी हम गोसाई गांव में हैं, कोई एरिया था जहाँ पर अभी हम गए थे,
और मीटिंग कंप्लीट हो के अभी हाईवे पर टच करेंगे और हाईवे से सीधा हमें 70 किलोमीटर हाईवे पर ही चलना है ताबड़ तोड़ ज़बरदस्त। एक बीच में शॉर्टकट और पड़ता है राइट हैंड साइड से, अंदर अंदर से रास्ता है, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे क्योंकि गूगल माता उस पर भटका देती है हमें। अगर हमें थोड़ा बहुत भी रास्ता याद हो, अगर दो या चार बार किसी के साथ किसी को फॉलो करते हुए चले जाएंगे तो याद हो जाएगा हमें, बट ये गूगल के चक्कर में याद नहीं हो पाता है। और अभी हम किसी के साथ आना जाना भी नहीं किए, तो जो रास्ता हमें याद है, जो रास्ता हमें मालूम है, जो रास्ता हम जानते हैं, उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। दिस इज़ द हाईवे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग। यहाँ लोग रॉन्ग साइड बहुत चलते हैं, और सुबह आते हुए जैसा आपने देखा था किस तरीके से हमारे चमत्कारी भाई ने बाइक को काटा था अल्टीमेट था भैया, सुबह ही सांस फूल गई थी मेरी मैंने कहा अरे गए आज तो। और कोई राइडिंग गियर्स हमने पहने नहीं थे, मतलब भयंकर चल जाते, भयंकर उबले आलू की तरह। चलिए तो मिलते हैं कोकराझार पहुंच के, और यूं ही बने रहिए। मतलब अभी जो डिस्कशन हुआ है वो पूरा आपको बता ही दिया, करते हैं कार्यवाही। अब जो पेंडिंग कार्यवाही है कोकराझार की वो करते हैं। तो आज के सारे काम अच्छे से निपट चुके हैं, और जब काम आपके मन के अनुसार आपकी इच्छा अनुसार हो जाते हैं तो मतलब एक काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी उल्लास होता है और काफ़ी पॉजिटिव फील आता है कि हाँ जैसा हमने चाहा था वैसा हो गया, और जैसा हम सोच के निकले थे सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली निपट गई। और कई बार भी चीज़ें अटक जाती हैं, कई बार चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो पाती हैं, तो उसमें हमें बड़ा दिक्कत आती है, अरे यार अरे यार ये परेशानी हो परेशानी, हाँ हर्डल्स आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उनको कैसे टैगल करना है, कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया वहाँ ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बट अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो मेन बात है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हम काम करते हैं, ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हाउ टू कोऑर्डिनेट, हाउ टू टैगल, हाउ टू डील। कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ें आती हैं या फिर मैं क्रॉप के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मायने ये रखता है कि कैसे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ और जो असाइन टास्क हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करता हूँ, मायने ये रखता है। तो जो आज की मीटिंग थी वो उसी कॉन्टेस्ट में थी, मैंने काफ़ी सारी कोशिशें की कि कुछ लोग और आ जाएँ, कुछ एक्सपर्ट्स और आ जाएँ जो मीटिंग अटेंड कर लें। अब देखिए कल के जो टास्क हैं वो एक अलग तरीके के टास्क हैं, और आज की जो रात है वो बहुत भारी रात है क्योंकि हमें पूरा स्पीच, पूरी प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करनी है। हालांकि बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास है, बट हमें ज़रूरत अनुसार, क्योंकि यहाँ के किसान जो अब हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, जिन लोगों को हमें सिखाना है, जिन लोगों को हमें बताना है, वो फार्मर्स हैं, और वो भी आसमीज़, मतलब इनको आसमीज़ भी नहीं आती, यहाँ बोडो, ये बोडो बोलते हैं और बोडो लैंग्वेज अलग लैंग्वेज होती है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें मटेरियल तैयार करना है कि अट्रैक्टिव तरीके से उन लोगों को समझ में आए, वो चीज़ें कैच करें, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का वो फुलफिल हो। मतलब हम कुछ भी बोल के चले जाएँ, अगली पार्टी, अगले आदमी को समझ भी नहीं आए कि क्या बोला, क्या हुआ, क्या बताया, क्यों बताया, तो मतलब नहीं है ना उसका। तो ऐसा कुछ प्लान करना है आज बैठ के, कल का दिन बीच है, परसों तो इतने टाइम तक हम फ्री हो जाएंगे, मतलब जो असाइन टास्क है, असाइन एक्टिविटी है, जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखते हैं, वो भी ठीक ठाक होगा और जैसा सोचा है वैसा ही होगा। भयंकर भयंकर एकदम अत्यंत प्राण घटकम इस ट्रक में कुछ ना कुछ ऐसा जा रहा है, बहुत बदबू आ रही है इससे। ओहो पिग्गू महाराज जा रहे हैं, तभी हम गए, साला इतना कैसे महक रहा है। पीछे ट्रक था ना, उससे पीछे अभी हम आ रहे थे, चल रहे थे, इतनी बुरी स्मेल, इतनी बुरी बदबू। यहाँ आसाम में पिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत लोगों का पसंदीदा जो है वो पोर्क, ड्राई फ्राई, करी और पकोड़ा,
हर रूप में खाते हैं, वो बड़े स्वाद से बड़े चाव से खाते हैं और इंसिस्ट करते हैं जो लोग नहीं खाते उन्हें, कह रहे पोर्क नहीं खाते तो खाते ही क्या हो तुम नहीं बाबा हम नहीं खाते। चार बज के 20 मिनट हुए हैं और सूरज देवता हमारे ढल चुके हैं, मतलब अगले 15-20 मिनट में 4:30 बजे तक 4:45 तक यहाँ अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए ये कुछ सिचुएशन है, सनसेट हो रहा है। दिल्ली के कंपैरिजन में, नोएडा के कंपैरिजन में यहाँ रात जल्दी होती है। जैसे अभी 6 बजे हम वीडियो कॉल करेंगे अपने घर पे, बिट्टो से बात करेंगे, वाइफ से बात करेंगे, तो वहाँ पे उजाला हो रखा होता है और यहाँ पे एकदम अंधेरा हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे, जैसे मैं कभी टाइम लैप्स लगाऊंगा मुझे अगर फुर्सत मिलेगी तो रिवर साइड जाके और कहीं जाके और फिर वीडियो कॉल करके आपको वो भी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है और यहाँ क्या सिचुएशन है। सुबह भी जल्दी होती है और रात भी जल्दी होती है। बस